चुका है और मैं मौजूद हूँ मिठूपुर गांव में, जहाँ पर बहन नीतू कुमारी के साथ गलत तरीके से घिनौना कहे तो अपराध हुआ है, और उसके जस्टिस के लिए, उसको न्याय के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के साथ लगातार यूट्यूब के कहें तो पत्रकार धरातल पर उतरे हुए हैं और लगातार कई दिनों से कैंपेन किए हुए हैं कि इस बचिया को, इस बहन को न्याय मिले। तो आइए चंद सवाल पत्रकारों के साथ है कि उनकी लड़ाई क्यों, कैसे लड़ रहे हैं और क्यों ऐसी ऐसी घटना में ऐसी घटना घट रही है। भैया सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जगह पर आए और पुख्ता सब मतलब इस वीडियो को दिखा रहे हैं। वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाने का मतलब ये होता है कि लोग तक जाती है बात आपकी, हमारी बात आपके बात जाती है तो शायद प्रशासन तक भी बात जाती है, नेता मंत्री तक भी जाते हैं, तो शायद वो लोग कुछ करते हैं इसके लिए। और जो ये घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको कहीं से भी देखा जाता है तो इतना बड़ा अपराध है। जैसे कि आप नबीनगर में देखा था आपने, वो मामला बढ़िया से सुलझा भी नहीं था, अभी तक चल ही रहा है मामला, सेम उसी तरह का एकदम बिल्कुल सेम टू सेम घटना है, यहाँ पर भी उसी तरह से हुआ है। और नीतू कुशवाहा जी के साथ जो कि 27 तारीख को घर से निकली थी और दो दिन तक पता नहीं चला, तो 29 तारीख को FIR दर्ज किया गया और 30 तारीख को बॉडी इसका मिला। एक और मामला सुनने में आ रहा है, सोनम कुमारी गायब है लगातार लगभग 5-6 दिनों से, मुकर के मामला है, आपने शायद सुना होगा, कल से खबर में चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसा घटना घट रही है बहनों के साथ? कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं बिहार में, हम बिहार में रह रहे तो बिहार की बात कर रहे हैं, चारों तरफ बढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि 15 दिन के अंदर दो दो तीन तीन घटनाएं अगर होती है तो सवाल तो खड़ा होता है। हम प्रशासन पर भी ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसलिए कि फिर प्रशासन हमसे सवाल करने लगेगी, लेकिन प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना होगा हम लोगों को कि कम से कम इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। हालांकि जैसा कि हमें पता चला कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, और 3 दिन अगर हो जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आए तो बड़ा सवाल तो खड़ा हुआ है, चाहे प्रशासन हो चाहे किसी ऊपर भी खड़ा होगा। पहले श्रेया, फिर नीतू, फिर सोनम, जवाबदेही किसकी है, समाज कितना कितना बड़ा दोषी है इस संबंध में? देखिए समाज के लिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि समाज को अपने हर बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को। बात ऐसा है कि मोबाइल का आजकल ज़माना है, मोबाइल देख देख के लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहे हैं। समाज को ज़्यादा कुछ तो कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अपने आप से सचेत रहना होगा, लोगों को अपने आप से सुरक्षित रहना होगा। हालांकि अपराधी हैं, अपराधी घटना को अंजाम देते हैं तो नहीं सोचते हैं किसकी बेटी बहन हुआ नहीं है, इसके मामले में उन लोग अनभिज्ञ रहते हैं, किसी का भी बेटी बहन। इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कितने दिनों से खबर बना रहे हैं और क्या हम लोग, देखिए फर्स्ट डे हम लोग आए हुए हैं और आज से लगातार हम लोग खबर बनाएंगे, दिखाएंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता है इनको। हिमांशु जी आप आए हुए हैं मिठापुर गांव में, लगातार देख रहे हैं कि परसों से नेताओं का आना जारी है, कैसे जस्टिस करेंगे, कैसे न्याय मिलेगा? नेता जस्टिस नहीं देता है विकास जी, नेता जस्टिस नहीं देता है और ना ही दिलवाने का हमको नहीं लगता है कि प्रयास करता होगा। जस्टिस देने की बात की जाए तो अगर प्रशासन निष्पक्ष तरीके से मामले की जाँच करे, इसकी सुध ले, सही तरीके से गहनता से अनुसंधान हो, तब जस्टिस मिल सकता है। आपके जैसे पत्रकार आए लगातार इन बातों को उठाएं और आगे की ओर बढ़ाया जाए तब जस्टिस मिल सकता है। नेता क्यों आ रहे हैं इस चीज़ों को मत किए, नेता अपने लिए आ रहे हैं समझें। नेता को तो एक स्लोगन आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी की सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा यार, इसका ठीका कौन लेगा? इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार जे आधे के अगर कहे जाए तो कहने के परिजनों को भी अपने बच्चों के प्रति सतर्क होना पड़ेगा, उन्हें उन सारी चीज़ों के आज के जो जमाने में ढलने वाली जो बातें हैं खुल करके बताना पड़ेगा कि नहीं बाबू अगर तुम्हारे साथ कोई शोषण करता है, अगर तुम्हें कोई धमकाता है, कोई बातें हैं तो उसको हमारे साथ शेयर करो, इतना लॉयली होना पड़ेगा। नीतू फिर सोनम, देखिए बारी नहीं है। देखिए सोनम वाले मामले में हमने वहाँ के संबंधित अधिकारी से भी बात की है, उसमें जाँच चल रहा है, उसका 24 तारीख के साथ गायब होने की रिपोर्ट थी, और उसमें बड़ी बात है कि पत्रकार भाई उनकी भगनी भी लगती है, हमने कई मरतबा लगा, उसमें भी जाँच चल रही है, लेकिन यह जाँच कब तक? आज इतनी हाई टेंशन व्यवस्था है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टावर है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं, और फिर भी अपराधियों को अगर पकड़ा जाने में अगर देरी हो रहा है तो इसमें तो भैया सवाल या निशान उठेगा, सवाल तो पूछा जाएगा और पूछना जायज है, पूछना जायज है। और श्रेया के साथ जो भी हुआ बाद में घटने को उद्भेदन की, उस घटना में उद्भेदन किस प्रकार के है उस पर हम सवाल या नहीं निशान करते, लेकिन उद्भेदन हुआ तो हम चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस घटने का भी उद्भेदन करके अगर प्रशासन जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी चले, हम भी चले। लगातार ऐसी घटनाएं जिले में हो रही है, आसपास के जिले में हो रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही समाज को है या सिर्फ पुलिस प्रशासन? नहीं नहीं समाज को भी है और पुलिस प्रशासन को भी, दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है, और समाज, पुलिस प्रशासन और परिवार ये सब निश्चित करेंगे भाई। आप भी समाज में रहने वाले, आप
आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? हम लोग बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटियों के आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज सबसे ज़्यादा देश की चलाने वाली महिला राष्ट्रपति है, कई जगहों पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि महिला कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिनके कारण उनको और खुले में घूमना क्या ये भी कारण हो सकता है कि हमने अपने बच्चों को ज़्यादा छूट दे रखी है? हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा बात लोग सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा कि इन्होंने पत्रकार महोदय ने कहा कि बेटी को तो पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। घर में रख के तो पढ़ा नहीं सकते, स्कूल जाना होगा, बाहर जाना होगा, कोचिंग जाना होगा, बाहर जाना होगा। तो ऐसे में अपराधियों के मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लोग मतलब कि हमने पश्चिमी सभ्यता पर भी बात की, पश्चिमी सभ्यता खुलेपन मोबाइल वगैरह जो खुलेपन महसूस कर रहे हैं, देखिए कपड़े वगैरह। कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो सारा चीज अगर हम पश्चिमी सभ्यता पर छोड़ दें और थोप दें, अभी सही तो नहीं है। हम क्यों भाई, अब आया है मोबाइल का युग है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना चल रहा है, आपके देश के पीएम कहते हैं कि डिजिटल हो जाइए, तो हम इसको करेंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं कि परिवार उस पर एक सीमा तय करे, एक कंट्रोल तय करे कि क्या देख रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर थोड़ी सी जाँच ध्यान देना है, ध्यान देने अभी को एक मत दें, ये चीजें नहीं कहते आप दीजिए, उसकी एक सीमा तय कीजिए। आजादी है, आजादी आपको करना चाहिए, लेकिन हाँ आजादी इस बात की है, माता जी ने कहा कि मेरी बिटिया चलेगी बता के नहीं गई, तो आजादी जी तो हो सकता है कि उस बिटिया के पास कुछ ऐसा परिस्थिति होगा जिस बताने के लायक आपने आपको कह गई थी, तो रोक टोक की जरूरत है ना। नहीं नहीं, देखिए घर से निकली क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मानसिक स्थिति कैसी है, कोई इसको टॉर्चर कर रहा था क्या, कुछ कर रहा था, बहुत तरह के सवाल हो सकता है इस पे हम लोग कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आज इलेक्ट्रॉनिक जुजियों में आपको बता दें कि बीते दिन पहले एक मीडिया का हमने खबर देखा था इसी जिले के, किसी पिता के द्वारा रोते रोते बताया जा रहा था कि उसकी बेटी का तब फोटो और मतलब जो चीज़ें वायरल कर दिया था। अब समझिए, एक आप किसी लड़की के साथ ऐसा करते हैं, उसके पिता पर क्या बीतती होगी। आपको बता दें कितनी श्रेया और नीतू का मामला दब जाता है विकास जी, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कितने लोगों की इज्जत और समाज की प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में मामलाएँ दब जाती हैं। ऐसे चंद मामलाएँ होती हैं जो सामने आती हैं, उसके बाद यहाँ के युवा जागरूक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जो भी प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, जो भी स्कूल में वहाँ के टीचरों को जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारियों को जागरूक और परिजनों को जागरूक होकर कहीं ना कहीं लोयली बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ है तो फीडबैक कहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। घटनाएं हो रही हैं जिले में, अभी लगातार तीन घटनाएं हो गई है, प्रशासन से क्या? देखिए भाई, प्रशासन के लोगों से तो भैया अपील होगा कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि चंद किलोमीटर के बगल में गोली चल जाता है, कभी किसी को स्कूल के फंदे से टांग दिया जाता है, कभी किसी बेटी का शव जो है नहर से बहते निकल जाता है और चार को थाना पार कर जाता है, उसके बाद एक बेटी गायब है, उसको 24 तारीख से खोज बीन चल रही है, तो सवाल तो भैया उठेगा, सवाल तो हम भैया पूछेंगे। प्रशासन से कितने उम्मीद लगाए बैठे आप लोग? देखिए प्रशासन भी अपनी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो लापरवाही होती है, लापरवाही हम लोग कह सकते हैं उसको, लेकिन जो ये सवाल यहाँ पे ही खड़ा हो रहा है कि तीन दिन से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक दिन से दो दिन में आ जाता है, 24 घंटे में आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेकिन प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। बात आपको बता देता हूँ, मुस्तैदी की बातें हैं, प्रशासन बहुत बढ़िया से काम करती है, पूर्व कांडों में जैसे अनुसंधान भी हुआ है। अब समझिए, यूपी में हाथरस में वो कांड हुआ है, वहाँ का जनता कह रहा है कि 100 आदमी आए थे, एक डॉक्टर रवे था, तो अब बताइए जैसे पोस्टमार्टम का है, प्रशासन का है, तो संख्या बल भी हमारे पास उतना नहीं है। तो संख्या बल भी उसके पास नहीं है पर्याप्त मात्रा में इस सरकार में। देखिए, राजनीति तो कीजिएगा जात के नाम पर, राजनीति तो कीजिएगा धर्म के नाम पर, खोजिएगा पुलिस, खोजिएगा डॉक्टर, खोजिएगा विद्यालय, कहाँ से लाइएगा? नहीं, कहाँ से लाइएगा हमको बताइए ना। इसका सवाल आपने कोई पूछा था क्या? थे मीठापुर गांव में और यहीं पे नीतू बहन के जस्टिस के लिए, उनकी लड़ाई के लिए तमाम पत्र के पत्रकार बंधु आए हुए हैं और मांग करके जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करें और बच्चिया को न्याय मिले।